तो आज से शुरू होने जा रहा है महिला विश्व कप T20 है, जो 2023 में पहले हुआ था और उसमें जो इंडिया थी वो सेमीफाइनल में हार गई थी। उसके बाद 2024 वापस होने वाला है, पहले 2022 में होने वाला था जो कोरोना के कारण 2023 में हुआ था, और ये 2024 में भी अभी स्टार्ट हो रहा है। पहले इसकी बात थी कि ये बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे बांग्लादेश में ये नहीं होने वाला है क्योंकि वहाँ पे कुछ सरकार के आपसी संबंध खराब हुए थे, उसकी वजह से मेज़बानी इनको UAE में दिया हुआ है। और ये जो UAE में है, ये तटस्थ देश का पहला विश्व कप होने जा रहा है जो वुमेन्स का है, वो पहला विश्व कप होगा जो बाहर होगा। और अभी तक UAE में कोई सी भी टीम, जो भी 10 टीमें हैं, वो अभी तक कोई भी एक भी मैच नहीं खेली है वहाँ पर। और तो रोमांचक होने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे ना उनके पिच रिपोर्ट पता है ना कुछ और पता है, पहला मुकाबला होगा जो भी टीम खेलेगी। और आज शुरुआत होने वाली है T20 विश्व कप की, तो बहुत सारी बातें हैं, उनकी बातें करेंगे हम, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपको अगर लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए किसी भी क्रिकेट की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा या बायो में लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर लेना वहाँ पे और फॉलो कर लेना, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो T20 विश्व कप 2024 की क्या क्या खास बातें हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्या क्या इसमें इंडिया का कौन सा मुकाबला बेस्ट होने वाला है, कब शुरू होने वाला है, क्या होगा इंडिया के खिलाफ, कौन सा मैच किस तरफ जाएगा, तो वो बातें करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस T20 विश्व कप की, खास बात ये है कि इसमें स्मार्ट रिव्यू सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। स्मार्ट रिव्यू सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्मार्ट रिव्यू सिस्टम केवल 2023 में IPL में यूज हुआ था, इसमें बहुत सारे कैमरे यूज होते हैं और स्मार्ट रिव्यू दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास कैमरा, लगभग 28 कैमरा इसमें होता है जो फुटेज को रिवील करते हैं, दिखाया जाता है उसमें, तो वो रिवील होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ महिला T20 विश्व कप में जो ग्रुप ए है उसमें टीमें जो है, पहली है भारत, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी न्यूजीलैंड, चौथी पाकिस्तान, पांचवी श्रीलंका है। और ग्रुप बी की बात करें हम तो उसमें है बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड और एक टीम है जिसका नाम है इंग्लैंड, जो इस टीम में सबसे मजबूत इस ग्रुप में है, वो सबसे मजबूत मानी गई है। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम भी है, उसको हम कमज़ोर नहीं मान सकते, वो भी यहाँ पे कुछ करने वाली है और पिछले साल भी इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला था और इस साल भी वो अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाएगी। और साथ ही इस विश्व कप को लेकर इंडिया की तैयारी बहुत मजबूत है और हमारे कप्तान साहब ने भी ये बताया है कि मैं इस टीम को लेकर आश्वस्त हूँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ इस टीम से। और 15 जो टीम है, 15 खिलाड़ियों की टीम है, उसमें से 12 खिलाड़ी है वो पहले से विश्व कप खेल चुके हैं, और 3 जो खिलाड़ी है, श्रृंका पाटिल है, आशा शोभना और एस सजना, जो पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके आई है। तो मैं पूरी इस टीम से आश्वस्त हूँ और हम जीत के आने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना मत भूलना।